ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में ताखीर, चीफ जस्टिस बरहम, मंसूबे की तकमील के लिए 6 माह इंतजार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 90% से ज्यादा काम मुकम्मल हो चुका, बाकी काम चाइनीज ने करना है, 3 से 4 माह लग सकते हैं। नुमाइंदा हबीब कंस्ट्रक्शन कंपनी, चेक बाउंस होने पर चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी फाइनेंस को पेश होने का हुक्म, नई हुकूमत को साफ बता दें कुछ भी हो जाए मंसूबा मुकम्मल होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाप्त 30 अगस्त तक मुलतवी। ऑरेंज ट्रेन बेयारो मददगार, तामीराती काम बंद, ठेकेदारों ने डेरा गुजरा डिपो और स्टेबलिंग यार्ड पर तामीराती काम रोक दिया। ZKB कंपनी की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी, इंजीनियर्स और अमले का काम करने से इनकार। चाइनीज कंपनी CR नोरेंको ने टेस्ट रन के लिए 3 माह मांग लिए, खाली ट्रेन 3 माह तक पटरी पर चलाई जाएगी। सुल्तान जो चाहता करता रहा, हर मामले में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब सोसाइटी को फंड्स किस कानून के तहत दिए, PKLI प्रोजेक्ट की एक्निक से मंजूरी भी नहीं ली, अरबों रुपए की बंदरबांट की गई, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का PKLI के सरबराह का नाम तजवीज करने का हुक्म, खैबर पख्तूनख्वा में कानून देखा, यहाँ कोई कानून नहीं, जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। आशियाना इकबाल स्कैंडल में फवाद हसन फवाद का अहम इंकशाफ, शहबाज शरीफ ने तारिक बाजवा को आशियाना इकबाल के ठेके से मुतालिक इंक्वायरी की हिदायत की, फवाद हसन फवाद का नैब इंक्वायरी में बयान। गवर्नर स्टेट बैंक साबिक MD इंजीनियरिंग सर्विसेज करामतुल्लाह चौधरी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। ड्राइविंग में मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, हादसा जिया बग्गा रोड पर तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जाम बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिना अस्पताल में इमरजेंसी के बाहर खातून की डिलीवरी का मामला, चुंगी अमर सिद्धू की रिहायशी 22 साला बशीरा बीबी जिना अस्पताल में रजिस्टर्ड नहीं थी, मुतासिरा खातून अस्पताल में खावंद का इंतजार करती रही, खावंद के आने पर इमरजेंसी स्लिप बनवाई, इसी असना में बच्चे की डिलीवरी हो गई, तहकीकाती कमेटी ने सारा मलबा मरीजा पर डाल दिया। लाहौर न्यूज की खबर पर इंतजामिया का क्विक एक्शन, यूनियन काउंसिल 43 में आलाइशों की निशानदही पर अमले की दौड़ें, इलाके से आलाइशों और गंदगी के ढेर खत्म कर दिए, अहले इलाका ने सफाई होने पर लाहौर न्यूज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। लॉर्ड मेयर और DC में लफ्जी जंग जारी, ईद के रोज जगह जगह गंदगी के ढेर मीडिया ने दिखाए, मसाइल को ब्लेम गेम कहकर डिप्टी कमिश्नर ने अवामी मैंडेट की तौहीन की, लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद बरहम बोले मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदा हूँ, शहर के मसाइल की निशानदही करना मेरा फर्ज है, डिप्टी कमिश्नर सरकारी मुलाजिम है, अवामी मसाइल का हल उनकी जिम्मेदारी है। कायद इमरान खान का एजेंडा सिर्फ आवाम की खिदमत है, हम सब ने मिलकर आवाम की खिदमत के मिशन को पूरा करना है, गुड गवर्नेंस को फरोग देंगे, करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार की पहली बार महकमा PND आमद,
आला सतह के इजलास की सदारत की। चार माह के तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी गई। कहते हैं महकमा P&D की तरह हर महकमे में खुद जाऊंगा। वजीर आला का सिविल सेक्रेटेरिएट में दफ्तर को भी फाल करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के साबिक सूबाई वजीर सैयद जईम कादरी का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का इम्कान। जराए के मुताबिक जईम कादरी अहलिया और साथियों समेत जल्द PTI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। उज़्मा कादरी तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद पंजाब असेंबली की मखसूस नशिस्त का हल्फ उठाएंगे। पंजाब में कौन कौन वजीर हतमी फहरिस्त तैयार न हो सकी। पंजाब के सीनियर वजीर का फैसला भी लटक गया। इब्तदाई वजरा की फहरिस्त में अब्दुल अलीम खान, मियां महमूदुर रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल। जल्द फहरिस्त फाइनल होने का इम्कान। हमजा शहबाज के पंजाब असेंबली में बतौर अपोजिशन लीडर कागजात जमा। ख्वाजा इमरान नजीर ने कागजात जमा कराए। नून लीग ने कभी पार्लियामेंट पर लानत नहीं भेजी। इमरान खान जिसको डाकू कहते थे उसे स्पीकर बना दिया। आसिफ जरदारी की मजबूरियां, नवाज शरीफ की कोई मजबूरी नहीं। ख्वाजा इमरान नजीर की गुफ्तगू। बड़ी ईद पर नॉन स्टॉप मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला, ख्वाबों के बाद बच्चों और बड़ों का बना सैरो तफरी का प्रोग्राम। चहल कदमी, खुशगप्पियां, गुलशन पार्क, जेलानी पार्क में फैमिली का रश। दोस्त अहबाब से पार्कों में मेल मुलाकातें। गोश्त खोरी मेदों पर पड़ गई भारी। लाहौर ये ईद पर गोश्त पर टूट पड़े। 3100 मरीज सरकारी अस्पतालों में जा पहुंचे। म्यो अस्पताल 800, जिना 600, सर्विसेज 550, सर गंगाराम अस्पताल 450 और जनरल अस्पताल में 650 मरीज दाखिल हुए। मेदा साफ करने के बाद बेशतर अफराद डिस्चार्ज। भूनने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी, इंतजामिया इन एक्शन, 42 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ थानों में 40 मुकदमा दर्ज। 8 मकामात को सील करके 46 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। मॉडल टाउन और कैंट कचहरी में 12 मुलजिमान की दरखास्त जमानत मंजूर। महकमा लाइफ स्टॉक और इंतजामिया की बेहिसी, गर्मी और हब से खालें खराब। मजमुई तौर पर 1,32,00,00,000 रुपए की खालें जमा। 45% खालें खराब। चमड़ा मंडी में ईद के तीसरे रोज खालों की फरोख्त ना होने के बराबर रही। बैल और बछड़े की खाल 1500 से 1700 और बकरे की खाल 200 रुपए में फरोख्त हुई। ग्रेड 17 के मुतअद्दद अफसरान के तकरर और तबादले के अहकाम जारी। सेक्शन ऑफिसर महकमा खजाना शौकत अली को तब्दील कर दिया गया। शकील अहमद भट्टी सेक्शन ऑफिसर E1 महकमा सर्विसेज तैनात। इलेक्शन पर जिला बदर किए गए 7 इंस्पेक्टर्स की जिला में वापसी, जबकि 15 इंस्पेक्टर्स के तबादलों के अहकाम मनसूख कर दिए गए। वापस आने वाले 2 इंस्पेक्टर्स का ताल्लुक लाहौर और 5 इंस्पेक्टर्स का ताल्लुक वजीर आला के जिला DG खान से है। 5 इंस्पेक्टर्स को वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया गया।
पुलिस अफसरानों अहलकार खबरदार होशियार, सरकारी मीटिंग या मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करने पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी करने पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, आईजी पंजाब ने हुक्मनामा जारी कर दिया। ईद की खुशियों में भंग, चोरों डाकुओं की ईदी मुहिम खत्म न हुई, इसरा की फैमिली को ईद मनाने गुजरांवाला जाना महंगा पड़ गया। अशरफिया पार्क में चोरी की बड़ी वारदात, चोर 100 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए नकदी लूटकर फरार, पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज न किया, पुलिस तआवुन नहीं कर रही, मुतासरीन का इल्जाम। नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाब के लिए कोशिशें तेज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अफजल हैदर की जेर सदारत अहम इजलास, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से नाम मौसूल होने पर गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, नई गवर्निंग बॉडी तश्कील देने के बाद बोर्ड चेयरमैन का इंतखाब होगा। सब गुड़िया उड़ाने में मस्त थे और हम लूटने में। बचपन से प्यार करता हूँ जी आपसे। जब तक तेरी बेबी बाजी की शादी नहीं होती अपनी शादी का सोचना भी ना। ईद पर लॉलीवुड फिल्मों की धूम, सिनेमा घरों में खिड़की तोड़ रश, फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट, दो रोज में 5 करोड़ 39 लाख का बिजनेस, परवाज है जुनून का 2 करोड़ 15 लाख और लोड बेडिंग पर 90 लाख की कमाई। के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और रोते हो एक जजीरा जान को फराज, तुम देखो कितने शहर समंदर के हो गए, उर्दू शायरी में मुनफरिद मुकाम पैदा किया, अल्फाज ऐसे कि आज भी कानों में रस घोल दें, अदब की दुनिया का एक अजीम शायर अहमद फराज को बिछड़े 10 बरस बीत गए।